हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर के बारे में। आज इसमें एक अपर सर्किट देखने को मिला है एंड करेंट प्राइस इज 4.85। एंड फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट आ चुका है। 52 वीक लो है इसका 2.65 एंड हाई है 8 रुपीज़ के आसपास। तो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की परफॉर्मेंस कैसे रही और इस शेयर से रिलेटेड एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है निकल के, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव पॉइंट है कि अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं इनके। मार्केट कैप 534 करोड़ है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है एंड इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको ज़रूर पता होने चाहिए, सो दैट आपको नेक्स्ट डे पता हो कि ये किस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो रेजिस्टेंस 1 है 4.77, देन 4.88, देन 5.02 एंड सपोर्ट है 4.27, इसका लास्ट सपोर्ट है। आज का वॉल्यूम 25 लाख है। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है इसका रिजल्ट की वीडियो मैंने आपको कल बना दी थी। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट बहुत ही ऑसम आया है इसका फ्रेंड। तो आप जानते हैं, अब आपको इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि सेबी ने इसको ASM स्टेज 1 में डाला था, और आपको पता है ASM स्टेज 1 में डालने से पहले फ्रेंड्स इसमें 10% का अपर सर्किट और 10% का ही लोअर सर्किट देखने को मिलता था हमें। तो फ्रेंड्स, अब ये है कि 23 मई तक ये ASM स्टेज 1 में शो हो रहा था, लेकिन फ्रेंड्स अब इसे सेबी ने ASM स्टेज 1 से भी बाहर निकाल दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप सबको पता है, जब भी कोई शेयर ASM स्टेज 1 में आया था, जब से विकास लाइफ केयर, तो फ्रेंड्स इसका जो सर्किट है वो कम हो गया था और 4-5% का ही अपर सर्किट देखने को मिलता था और 4-5% का ही लोअर सर्किट देखने को मिलता था, जब तक ये फ्रेंड्स ASM स्टेज 1 में था। एंड फ्रेंड्स, अब ये देखा जा रहा है कि ये ASM स्टेज 1 से भी बाहर आ गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा से 10% का अपर सर्किट एंड 10% का लोअर सर्किट, जो कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि ASM स्टेज से बाहर आने के बाद फ्रेंड्स इसका सर्किट भी चेंज होता हमें दिखेगा। सो फ्रेंड, ये रिजल्ट के बाद एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि सेबी ने इसको ASM स्टेज 1 से भी निकाल दिया है, और अब हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% का अपर सर्किट एंड 10% का लोअर सर्किट। तो फ्रेंड्स, ये कब से लगने को मिलेगा ये हम देखते हैं, बिकॉज आज तो फ्रेंड्स इसमें एक अपर सर्किट हमें 4-5% का ही देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रेंड इनके रिजल्ट की ही थी, जो मैं आपको डेफिनेटली बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, अगर हम रेवेन्यू देखें, अगर हम प्रॉफिट देखें। एंड फ्रेंड्स, Q3 का रिजल्ट भी इनका काफ़ी शानदार आया था एंड Q4 का रिजल्ट भी इनका काफ़ी अच्छा आया है। अब जानते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग, वो है 14.81%, पब्लिक की 87% के आसपास है एंड FII की है 0.03% एंड अदर्स है 0.01%। तो फ्रेंड्स, ये एक थोड़ा सा पॉइंट है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फ्रेंड्स अगर हम देखें कि सेबी की तरफ से भी इसको थोड़ी सी राहत मिल चुकी है एंड रिजल्ट भी इसका अच्छा आया है, तो अब हम इसमें फ्रेंड्स अपर सर्किट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको दे दिया। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।